नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के महाराजा अनंगपाल तंवर तोमर और उनका जीवन। दिल्ली के महाराजा अनंगपाल तंवर तोमर गुर्जर वंश से थे, जिनके गांव को आज भी दिल्ली के राजा बोला जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है व जनता के लिए वह हमेशा जिज्ञासा के अंदर रहा है। दिल्ली जो वर्तमान में देश भर से आए प्रवासियों के सपनों की पूर्ति करती है, इसको इतिहास में किसने बसाया? इसी संदर्भ में भारत सरकार पिछले कुछ समय से इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर सक्रिय नजर आ रही है, जिसमें दिल्ली के संस्थापक महाराजा अनंगपाल तंवर का जिक्र चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वर्तमान में दिल्ली के मैरोली क्षेत्र में महाराजा अनंगपाल तंवर के वंशजों के 8 गाँव आबाद हैं, जिनमें फतेहपुर बेरी, असोला, डेरा मांडी, ग्वाल पहाड़ी, चंदन, पुल्ला, बास और बड़ा बास है। इन गांव को आज भी यहाँ के युवाओं की मजबूत कदकाठी, आपसी भाईचारे व निर्भरता के लिए जाना जाता है। आज भी इन गांव के नौजवानों को दिल्ली वासी दिल्ली का राजा कहकर संबोधित करते हैं। लाल कोट की प्राचीन दीवार पर लगा सरकारी बोर्ड, जिसमें गुर्जर अनंगपाल तंवर द्वितीय द्वारा इसका निर्माण बताया गया है। प्रिंसिपल गणपति सिंह कश्मीर के शहीद देशभक्त गुर्जर गुर्जरिया पर संख्या 2 पर लिखते हैं, दिल्ली के तंवर गुर्जर गुर्जर प्रतियार सम्राटों के अधीन सामंत थे। गुर्जर प्रतियारों के पतन के बाद वे सोलंकी गुर्जर सम्राटों भीमदेव सिद्धराज आदि के अधीन रहे। तंवर वंश के प्रसिद्ध महाराजा अनंगपाल तथा आनंदपाल थे। इनकी राजधानी मैरोली थी, जिसका प्राचीन नाम मिरावली था, जो गुर्जर प्रतियार सम्राट मीरबोज के नाम पर नगर बसाया था। बाद में तंवरों ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की। ग्वालियर का महाराजा मान सिंह, जिसने मृगनैनी गुजरी से उनकी वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध होकर शादी की थी, इनके नाम पर आज भी ग्वालियर में गुर्जरी महल के नाम से मौजूद है। मैरोली दिल्ली के आसपास तंवर गुर्जरों के 12 गाँव अभी भी आबाद हैं। बाबू रतनलाल वर्मा गुर्जर वीर गाथा पर संख्या 81 पर लिखते हैं, दिल्ली के गुर्जर तंवर भी गुर्जर प्रतियारों के अधीन सामंत थे। प्रतियारों के पतन के बाद वे सोलंकी गुर्जर सरदारों भीमदेव सिद्धराज आदि के अधीन रहे। तंवर वंश में महाराजा अनंगपाल व आनंदपाल अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने ब्राह्मणों के बताने के अनुसार अपनी राजधानी मैरोली गुर्जर सम्राट मीरबोज के नाम पर बसाई गई मीरावली में एक किल्ली गढ़वाई थी, जिससे राज्य अटल रहे, परंतु दोबारा उखाड़ने व गाड़ने से किल्ली दिल्ली पड़ गई। बताते हैं जिससे राज्य स्थायी न रह सका और दिल्ली शब्द के कारण ही उनकी राजधानी आगे चलकर दिल्ली व दिल्ली विख्यात हुई। यशवंत सिंह मंडलोई गुर्जर और राजपूतों का गौरवशाली प्राचीन इतिहास पृष्ठ संख्या 93 और 94 पर लिखते हैं, इंद्रप्रस्थ के तंवर सामंत नंबर 1 अनंगपाल तुंगपाल, नंबर 2 वासुदेव, नंबर 3 गंगैया, नंबर 4 पृथ्वीमल, नंबर 5 जयदेव, नंबर 6 नीर नेकपाल, नंबर 7 उदयराज, नंबर 8 विजयराज बसराज, नंबर 9 अनेकपाल, नंबर 10 विरिजपाल, नंबर 11 गोपाल महिपाल, नंबर 12 सनकपाल सलखनपाल आदि गुर्जर प्रतियारों के सामंत थे और स्वतंत्र शासक थे। नंबर 1 जयपाल कुमारपाल, नंबर 3 अनंगपाल अनंगपाल द्वितीय, नंबर 4 विजयराज तेजपाल, नंबर 5 महिपाल, नंबर 6 अक्कड़पाल अनंगपाल तृतीय। तंवर शासकों ने इंद्रप्रस्थ पर 420 वर्ष राज किया। दुर्गा प्रसाद माथुर गुर्जर जाति का संक्षिप्त इतिहास पर संख्या 139 पर लिखते हैं, तोमर तंवर गुर्जरों का गोत्र है। हरिहर निवास द्विवेदी ग्वालियर के तोमर, दिल्ली के आसपास के तोमर गुर्जर उन सैनिकों के अवशेष हैं जिन्हें नागभट्ट ने जावल की सेना का अंग बनाकर भेजा था। प्रसिद्ध इतिहासकार हार्नले तथा राजतरिंगणी नामक संस्कृत ग्रंथ के आधार पर तोमरों को गुर्जर जाति का माना है। यतेंद्र कुमार वर्मा गुर्जर इतिहास पर संख्या 230 पर लिखते हैं, तंवर गुर्जर ही थे, किंतु राजपूतों की अलग जातीय सत्ता इस काल में स्थापित हो चुकी थी तथा परस्पर विवाह संबंध होते थे। गुर्जर जाति का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर संख्या 283 पर लिखते हैं, राजा मान सिंह तोमर का एक शिलालेख संवत 1568 का खंडार दुर्ग सवाईमाधोपुर से प्राप्त हुआ है, इसमें राजा मान सिंह तोमर को गुर्जर लिखा हुआ है। डैनजिल एब्डसन ग्लासरी ट्राइब्स एंड कास्ट पंजाब एंड सरद
पर लिखते हैं, प्रतिहार तंवर आदि वंश गुर्जर जाति के हैं। डॉक्टर दयाराम वर्मा गुर्जर मातृभूमि के प्रति समर्पित पद संख्या 7 पर लिखते हैं, प्रमुख तोमर गुर्जर वंश के राजा विल्लण देव या जावल 736 ईस्वी से 754 ईस्वी तक। उसके बाद गाग, पृथ्वीराज, सहदेव, रुद्रदत्त, दंडयुत, नरपाल, वसराज, बीरबल, गोपाल, तोलन, जुलखंडी, जसपाल, कुंवरपाल, अनंगपाल द्वितीय, तेजपाल, महिपाल, इन राजाओं ने दिल्ली पर राज्य किया। गौराम सिंह जी आर्य गुर्जर गोत्र गवेषणा पर संख्या 49 पर लिखते हैं, स्वाभिमान को धक्का लगे तो मर जाए तुरंत, बात बना अपनी रखे जाने दे न तंत, जाने दे न तंत अंत भले हो जावे, ऐसे पाके वीर यश जाति भी पावे, पुरखा हुए विशीष थे खान बने स्वाभिमान की, तोमर संख्या पड़ गई उनकी दी संतान की। तोमर तोगड़ जानिए तोमर तंवर विचार, यह चारों एक हैं अनपढ़ कहते चार, अनपढ़ कहते चार देश पात्र के कारण, शब्द शब्द के भेद से भिन्न हुए उच्चारण, अन्य अनेकों शब्द भी हुए ओर से ओर हैं, ध्यान लगा कर देख लो शीश मुकुट सिर मोर हैं। क्या गुस्सा क्या लात हो बात सुने मर जाए, ऐसो की संतान ही तोमर रही कहे, तोमर रही कहे है सभी बात में आला, करते हैं निर्लज जग में गड़बड़ झाला, इसलिए तो तोमर कभी किसी से नहीं हारते, गिरे पड़ो को जगत में रहते सदा उभारते। डॉक्टर दयाराम वर्मा गुर्जर जाति का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पट संख्या 281-82 पर लिखते हैं, दिल्ली के तोमर गुर्जर राजवंश के शक्ति संपन्न होने की सच्चाई यह है कि जब 8वीं सदी के प्रारंभ में मालवा के अवंती क्षेत्र का अधिपति गुर्जर प्रतिहार नरेश नाग भट्ट प्रथम गुर्जर वल मंडल का नेतृत्व संभाल कर सिंध के अरब आक्रांताओं से जूझ रहा था, तब उसने गुर्जरधार गुजरों का घर यानी ग्वालियर, मुरैना, भिंड इत्यादि जनपदों के गुजरों को भी संगठित कर उनका एक नेता जल्लण उपनाम बिल्लण देव मनोनीत किया था। अरबों को शांत कर जब नाग भट्ट प्रथम कन्नौज की तरफ उत्तरी भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, तब उसने जल्लण देव तोमर को निर्देश दिया कि दिल्ली के समीप क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लो। भारतीय संस्कृति के रक्षक नामक अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 33 पर रतनलाल वर्मा जी लिखते हैं, तुर्कों के साथ भविष्य में होने वाले आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न जातियों के लोगों ने राजपूत नामक जातीय संगठन बनाया था, क्योंकि राजपूत शब्द से उनके राजवंशी होने का बोध होता था। मेरी पहली पुस्तक गुर्जर वीर गाथा की पुस्तक में प्रसिद्ध राजपूत विद्वान ठाकुर पीएन सिंह ने राजपूत जाति का बनना केवल गुर्जरों से ही इस प्रकार लिखा है, शासक वर्ग अर्थात गुर्जर जाति के सैनिकों व अन्य लोगों को अन्य जातियों के लोगों द्वारा आदर के लिए राजपूत राजपुत्र नाम से पुकारा जाता था, तथा बाद में यह आदर सूचक शब्द जातिवाचक बन गया। जो कुछ भी हो परंतु यह सत्य है कि गुजरों तथा अनेक अन्य आर्य नार्य दासी पुत्र आदि से मिश्रित राजपूत जाति 12वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों द्वारा भारत विजय के बाद बनी थी, जिसमें गुर्जर जाति का अधिकांश कुल गोत्रों के अनेक जत्थे मालवा के परमारों की भांति विद्रोही होकर और अन्य कारणों से अपनी जाति छोड़ राजपूत जाति संघ में सम्मिलित हो गए थे। वर्तमान राजपूत जाति में करीब 70% लोग गुर्जर जाति के हैं, परंतु सभी कुल गोत्रों के कुछ लोगों ने विभिन्न जातियों की मिश्रित जाति राजपूत में सम्मिलित होना पसंद नहीं किया, वे अपने गौरवशाली नाम गुर्जर को चिपते रहे। विशेषकर विघटित गुर्जर सोलंकी साम्राज्य के अंतर्गत गुर्जरों के सभी कुल गोत्रों के जनसाधारण सैनिक सामंत सोलंकी सम्राट गुर्जर ही रहे। उनका प्रदेश भी गुजरात तत्काल गुर्जर भूमि रह गया, जबकि पुराने गुर्जर देश का उत्तर पूर्वी भाग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राजपूत रियासतों के कारण तभी से राजस्थान कहलाया। इस प्रकार हमें ध्यान रखना चाहिए कि राजपूत का मूल गुर्जर है, जिस पर राजपूत समाज को गंभीरता से सोचना चाहिए। स्वामी सत्यदेव जी महाराज संस्थापक श्री देवनारायण पीठम कहते हैं, दिल्लीपति महाराजा अनंगपाल तंवर गुर्जर वंश के थे। महाराजा अनंगपाल तंवर राष्ट्र के गौरव थे। इनकी जाति को लेकर किसी को संशय नहीं करना चाहिए।
महाराजा नंगपाल तंवर गुर्जर थे, जिनके वंशज आज भी दिल्ली के 12 गांव में आबाद हैं। डॉक्टर के आर गुर्जर वर्द कुंबे की सामाजिक यात्रा पर संख्या 179 पर लिखते हैं, राजा तुंग के वंशज तंवर गुर्जर हैं। पेवा विलेख में तंवरों की वंशाली दी गई है। यह जांगलों की अर्जुनायन शाखा है। तंवर तोमर गुजरों से तंवर तोमर राजपूतों का निकास हुआ है। डॉक्टर पी एस वर्मा गुर्जर स्वाभिमान पर संख्या 228 पर लिखते हैं, इंद्रपद से अलग वर्तमान मैरोली नामक स्थान पर 808 संवत में दिल्ली नगरी की स्थापना की। इनके गौरव में वृद्धि करने वाला यह एक शिलालेख दिल्ली अजायब घर में है। इसमें तंवरों द्वारा दिल्ली बसाने का स्पष्ट उल्लेख है। दिल्ली संस्थापक महाराजा नंगपाल तृतीय तंवरवंशी ही थे। उन्होंने कुतुब मीनार के पास विद्यमान लोहे की लाट को विष्णुपद पहाड़ी से उठवाकर यहां गढ़वाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मस्जिद वाले तालाब के पास महाराजा नंगपाल के नाम के खुदे हुए टूटे मंदिर के खंभे आज भी खड़े हैं। इनकी पुत्री कमला देवी का ब्याह चौहान राजा सोमेश्वर अजमेर नरेश से हुआ था। इसी कमला से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ। अनंगपाल के निसंतान रहने से उसके देवते पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राज भी मिला। डॉक्टर सुनील गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा गुर्जर देवसेना कहते हैं, लिखते हैं, गुर्जर महाराजा नंगपाल तंवर द्वारा गाड़ी गई कील दिल्ली रह जाने के कारण इस स्थान का नाम दिल्ली का पुरी से फिर दिल्ली रखा गया। वैदिक काल में खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ के नाम से पुनः आबाद किया गया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की 39 पीढ़ियों ने यहाँ राज किया। अनंगपाल प्रथम ने 737 ईस्वी के लगभग प्राचीन नगरी इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। इंद्रप्रस्थ के प्राचीन किले के खंडरों पर किला बनवाया जो पुराना किला कहलाता है। गुर्जर तुंगपाल राजा के नाम से तंवर शाखा चली। तंवर गुर्जरों ने इंद्रप्रस्थ पर 420 वर्ष राज किया। पृथ्वीराज तृतीय की दिल्ली विजय से पूर्व विग्रहराज चतुर्थ विश्वल देव 1150 से 1165 ईस्वी में ने दिल्ली जीती थी। अतः इंद्रप्रस्थ पर तंवर गुर्जरों का शासन गुर्जर प्रतिहार काल के में सामंतों के रूप में 737 ईस्वी से 745 ईस्वी के बीच स्थापित हुआ। गुर्जर प्रतिहार काल में ही राजा तुंगपाल के वंशज तंवर इंद्रप्रस्थ तथा बड़नगर में आ बसे। यहाँ गुर्जर प्रतिहार के सामंतों के रूप में 1000 ईस्वी तक राज करते रहे। राजा सूरजपाल ने सूरजकुंड बनवाया। अनंगपाल द्वितीय ने लाल कोट बनवाया। शैतान सिंह गुर्जर देव चेतना पत्रिका अंक 6 25 नवंबर 2009 पर संख्या 8 पर लिखते हैं, दिल्ली तोमर गुर्जरों ने बसाई थी। तोमर गुर्जर वन 725-1100 ईस्वी संस्थापक गुर्जरदार का बिलनदेव अंतिम राजा 16वां अनंगपाल द्वितीय तोमरों का एक राज्य गुर्जरदार क्षेत्र में भी था। राजपूत संघ गुर्जरों के शक्तिशाली राज्यों के पतन होने तथा मुगलों का शासन कायम होने पर अन्य नरेशों ने मिलकर राजाओं का संघ बनाया, जिसकी शुरुआत खटाना वंशीय जयपाल तथा उसके पुत्र आनंदपाल ने की थी। दिल्ली के महाराजा अनंगपाल तंवर तोमर गुर्जर वंश से थे। पथिक टुडे पत्रिका के संपादक श्री नंदलाल गुर्जर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना अहम योगदान दें। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।